आज हम लोग करेंगे एक वर्डप्रेस प्लगइन का रिव्यू जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हाय गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहां पर मैं वेब होस्टिंग ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं आज हम लोग एक वर्ल्ड प्रेस प्लग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एफिलियट बूस्टर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था जून 2020 में इनके जो फाउंडर है वो है कुलवंत नागी जो खुद एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड एफिलियेट मार्केटर हैं इन्होंने इस प्लगइन को तब लॉन्च किया था जब इनको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी अपने एफिलियट ब्लॉग्स क्रिएट करते टाइम पर तब इन्होंने फाइनली जाके वो सारे पेन पॉइंट्स जो इन्होंने खुद सफर करे थे उसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए इस प्लग के थ्रू सो बेसिकली ये एक प्लग है जो कि एफिलियट कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर ग्यूटन के आपको कुछ ब्लॉग्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो जैसे ये कुछ ब्लॉग्स से अभी हम लोग सारे ब्लॉग्स वन बाय वन देखेंगे फ्री और पेड वर्जन दोनों है पेड वर्जन पे मेरे पास आप लोग के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी है तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा इससे पहले यहां पर मैं ब्लॉग्स के ऊपर जाऊँ एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये ये लिए तो ये प्लग उन लोगों के लिए है जिनके वर्ड ब्लॉग्स हैं एंड वहां पर कुछ टाइप की सेलिंग हो रही है चाहे वो एफिलेट प्रोडक्ट्स हो चाहे वो खुद के प्रोडक्ट्स हो या फिर चाहे वो डिजिटल कंसल्टेंसी हो हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एनी टाइप ऑफ सेलिंग इज डन थ्रू ब्लॉग्स तो फिर ये वाला प्लग इन उनके काम का है कैसे हेल्प करेगा कन्वर्जन में हेल्प कर सकता है सी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है जितने भी ब्लॉग्स है वो उसको थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव बना देंगे तो बेसिकली क्लिक्स इंक्रीज होंगे क्लिक्स इंक्रीज होंगे तो कन्वर्जन इंक्रीज होगा तो अगर आप लोग ऊपर वाली कैटेगरी में आते हो जिसके बारे में मैंने अभी बात करी तो ये वीडियो आपके लिए है अगर नहीं आते हो तो यू कैन स्किप दिस वीडियो अब हम लोग आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर जो है ब्लॉक्स जो एफिलिएट बूस्टर पे आपको मिलते हैं सो so बेसिकली ये आपको ग्यूटन वर्ग ब्लॉग्स यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है किसी पेज बिल्डर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस और यहाँ पर आपको 28 एट रेडीमेड डिज़ाइंस मिल जाते हैं काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं तो ये वाला जो प्लगन है मैंने इंस्टॉल कर लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड जैसे आप लोग इंस्टॉल करोगे सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ये सारे इनेबल करने हैं या डिसेबल करने हैं तो कौन सा आपको इनेबल करना है कौन सा डिसेबल करना है वो आप लोग खुद यहाँ से चूज कर सकते हो इससे बेसिकली यहाँ पर आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी सिर्फ आप लोग वही यूज़ करोगे सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट एंड ये री मेरी वेबसाइट जहाँ पर मैंने सारे ब्लॉग्स को यहाँ पर यूज़ करके देखा है अभी मैं यहाँ पे वन बाय वन जाऊँगा और ये वेबसाइट खुद ही अपने आप में काफ़ी फास्ट है क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली यहाँ पर मैंने बनाई है इस तरीके से और ये जो वेबसाइट है ये अच्छी है फ्री में इसका फ्री प्लग फ्री थीम्स का यूज़ किया गया और नाइन्टी प्लस यहाँ पर आपको पेज स्पीड स्कोर मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर स्पीड कंपेन करके देखेंगे कि बाद में इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीजें यूज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या पेज स्पीड मिल रही है और अगर आपको भी ऐसा कोई ब्लॉग बनाना है मॉडर्न फास्ट तो इसके लिए मैंने कोर्स भी लॉन्च किया है रिसेंटली जो आप लोग जाके देख सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा प्लस अगर आप लोग क्लाउडवेज लोग मेरे लिंक से तो आपको ये वाला कोर्स फ्री में भी मिल सकता है अब इन ब्लॉग्स को ऐड कैसे करना है जैसे यहाँ पर आप लोग नई अपनी पोस्ट क्रिएट करोगे ये रहा मेरा वर्ड का पैनल यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है ऐड के ऊपर ऐड पे जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं बहुत सारे जितने भी मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स यहाँ पर प्लग इंस्टॉल कर गए हैं तो हम लोग यहाँ पर नीचे चले आएंगे नीचे आपको ये मिल जाएगा एफिलियेट बूस्टर का सेक्शन एंड देन यहाँ पर इसके से ये सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है जो भी आपको ब्लॉग चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे यहाँ पर चाहिए प्रोज एंड कॉन्स वाला यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ये मेरा प्रोज एंड कॉन्स का आ गया इसको एडिट करने के लिए बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जो भी है यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं जैसे स्पीड डाल दिया मैंने ईज ऑफ यूज़ डाल दिया कॉन्स में यहाँ पर मैं डाल दूंगा प्राइजिंग तो इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रोज एंड कॉन्स बन जाएगा सेटिंग यहाँ से आप लोग राइट हैंड साइड से देख सकते हैं यहाँ पर इसकी तीन स्टाइल्स है स्टाइल वन स्टाइल टू एंड थ्री स्टाइल टू मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो दिस इज़ हाउ यू कैन कस्टमाइज इट कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाते हैं अब यहाँ पर मैंने सारे ब्लॉक्स इसमें ऐड कर दिए हैं ये वाली मेरी पोस्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे जितने भी इनके ब्लॉक्स थे सबको ऐड कर दिया है तो ये काफ़ी हैवी पेज हो गया है थोड़ा स्लो भी हो रहा है क्योंकि एक साथ यहाँ पर मैंने इतने सारे ब्लॉक्स इसमें ऐड कर दिए हैं फॉर एग्जाम्पल एक कूपन ग्रेड है कूपन ग्रेड को एडिट करने के लिए अगेन यहाँ पर आप लोग इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे जैसे अगर मुझे यहाँ पे और कूपन ऐड करने हैं तो आई विल मेक इट थ्री तो यहाँ पर तीन कूपन हो जाएंगे फिर इमेज ऐड कर सकते हो अपना कूपन कोड ऐड कर सकते हो देन फीचर्स ऐड कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज़ की जा सकती है देन हमारे पास नीचे प्रोडक्ट प्राइसिंग का ऑप्शन है जो मैंने ऐड करके रखा है देन ऐसी बेसिकली एक समरी का है वर्डिक प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर और ये यहाँ पे की पॉइंट्स है इसमें आपको स्कीमा का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्कीमा सेटिंग्स में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि क्या इसका टाइटल और क्या इसका प्राइस रहेगा तो स्कीमा के लिए ये चीज़ अच्छी है मैं चाहूँगा कि स्कीमा सेटिंग्स वाले ब्लॉग जो हैं वो और बाकी चीज़ों में भी आ जाएँ जैसे कि प्रोकॉन वाला हो गया क्योंकि इसमें हमें प्राइजिंग एक्चुअल में मैंशन भी हो रही है तो इट मेक सेंस कि जो स्कीमा सेटिंग्स वाले ब्लॉक्स से हैं वो दूसरे ब्लॉक्स जो दूसरे ब्लॉक्स हैं उस पर भी इसको इंप्लीमेंट किया जाए और एक ये है यहाँ पर अमेजॉन सेटिंग्स का भी ऑप्शन है बट स्टिल इन वर्किंग फेजेज़ एट प्रजेंट यहाँ पर इसका मुझे स्टेबल वर्जन नहीं मिला है टेस्ट आउट करने के लिए तो हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर में आ जाए जहाँ से आप लोग लाइव अमेजोन की प्राइस शो कर पाओ उनके ए के थ्रू बट एट प्रेजेंट यहाँ पे अमेज़न से लाइव प्राइस दिखाने का ऑप्शन नहीं है बट दे आर वर्किंग ऑन इट ये अभी बीटा में है फिलहाल देखते हैं कब तक ये आता है और देन कंपैरिजन टेबल इज़ समथिंग दैट आई लाइक यहाँ पे खूब सारे कंपैरिजन टेबल के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अब यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से डेमो नहीं दिया है तो हम लोग जो इनकी वेबसाइट पे डेमो है उस पर जाके देख लेंगे कंक्लूजन आई लाइक दिस ब्लॉग ये भी अच्छा है प्रोग्रेस बार कूपन कोड वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा है मुझे और यहाँ पर नीचे आते हैं टॉपिक वाला ब्लॉग अच्छा है नोटिफिकेशन ब्लॉग अच्छा है अगर आपको यहाँ पर कुछ भी मेन पॉइंट दिखाना हो अपनी वेबसाइट के बारे में या कुछ आपकी स्पेशलिटी बतानी हो तो आप लोग नोटिफिकेशन ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट नोटिस ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो और सी टी ए ये वाला भी ब्लॉक मुझे अच्छा लगा है कंपैरिजन टेबल अच्छा है प्रोज एंड कॉन्स अच्छे हैं तो ये सारे ब्लॉक्स यहाँ पर मैंने यूज़ करके देखा और जब इसको रिव्यू करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं इसमें से जो मेरे फेवरेट हैं वो मैं आपको बताता हूँ प्रोज एंड कॉन्स अच्छा लगा है कंपेरिजन टेबल मुझे अच्छा लगा है ये सी टी ए क्लिक ये वाला मुझे अच्छा लगा है अगर मुझे कुछ दिखाना है क्लिक्स चाहिए तो और ये गुड बैड इज़ ओके कूपन कोड वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला जो कूपन वाला बॉक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे इट इज़ समथिंग दैट आई कैन इंप्लीमेंट ऑन माई वेबसाइट एज वेल कंक्लूजन दिस ब्लॉग लुक्स गुड प्रोडक्ट टेबल टेबल्स वाले ब्लॉग इनके अच्छे हैं कंपेरिजन वाले टॉप पिक वाला भी अच्छा है इसके बाद की पॉइंट्स ठीक है प्रोस्कॉन्स समरी एंड जैसा कि इन कूपन ग्रिड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स तो अगर आप लोगों को भी इनके डेमो देखने तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे अब इसमें से एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है इसमें वो है यहाँ पर इस का मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन जैसे यहाँ पर मैं चले आता हूँ मोबाइल पे चले जाते हैं हम लोग एक बार मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो मोबाइल के लिए भी ये ऑप्टिमाइज है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ही वियर्ड दिखेगा इट लुक्स डिसेंट यहाँ पर जो इसकी इमेज है अगर ये सेंटर पर होती तो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता आई थिंक बट ठीक है अच्छा है जैसे ये वाला है इट लुक्स डिसेंट इसकी इमेज यहाँ पर सेंटर पर है थोड़ी बड़ी है बट ठीक है और जो बाकी वाले हैं इनकी इमेजेस भी अगर सेंटर पे होती तो ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता बट ठीक है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा सभी के लिए कूपन कोड्स यहाँ पर सभी को पसंद है और कूपन ब्लॉक्स यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे दीज आर समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट ऑन माई वेबसाइट एज वेल तो कूपन ब्लॉक्स के लिए शायद से मैं यहाँ पर इस लगिन का यूज़ करूँ अपनी वेबसाइट के लिए दैन नोटिस ब्लॉग से अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको दिखानी है तो इट लुक्स गुड और जो टॉप पिक वाला सेक्शन है ये भी अगर हम लोग कोई बेस्ट लिस्ट बना रहे हैं टॉप टेन की लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है और अगर आपको ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा डिटेल आर्टिकल आपको मिल जाएगा उसका लिंक नीचे मिल सक मिल जाएगा चाहो तो जा करके देख सकते हो आपको सारे ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है यहाँ पर हमारी स्पीड टेस्ट करने की तो हम लोग स्पीड टेस्ट भी क्विकली कर लेते हैं ये वेबसाइट है यहाँ पर मैंने सभी का यूज़ किया है और ये जो वेबसाइट है ये मुझे नाइन्टी का स्कोर दे रही थी बिना इसके और यहाँ पर मैंने सारे ही ब्लॉक्स का यूज़ कर लिया है तो आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ पर मेरी पेज स्पीड स्कोर डिक्रीज़ होगी लेकिन कितनी डिक्रीज़ होगी वो देखेंगे अब यहाँ पर आपको सारे ब्लॉक्स का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे कि हमने देखा हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं बट वर्स्ट केस सिनारियो मैंने सारे ब्लॉक्स एक ही पेज पे यूज़ कर लिए वैसे करना नहीं चाहिए कौन ही करेगा ये लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में कितना लोड ले रहा है हमारी वेबसाइट पर तो इसके बाद भी मुझे यहाँ परफॉर्मेंस मिल रही है 90 की हम लोग यहाँ पे थोड़ा जा कर ये देखते हैं कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज यहाँ पे रेंडर ब्लॉक कर रही है तो मेनली जो यहाँ पे रिसोर्सेज है ये सारी प्रोडक्ट टेबल की हो गई है और ये सिंगल प्रोडक्ट ये सब यहाँ पर जो आई है ये आई है इस प्लग के थ्रू कूपन्स वाली ए बी वाली जितनी आपको यहाँ पे दिख रही है ना जो ए बी से स्टार्ट हो रही है दैट इज़ फ्रॉम एफिलेट बूस्टर अब मैंने इसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो मुझे अगेन यहाँ पे और अच्छी स्पीड मिल सकती है लेकिन मैंने इस जो भी यहाँ पर मुझे आ रहा है क्योंकि ये दिख रहा है आप लोगों को ये ऑप्टिमाइज नहीं है मैं यहाँ पर इसको चाहू तो ऑप्टिमाइज करके थोड़ा और यहां पर स्पीड इंक्रीज कर सकता हूं बट विदाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो जहां पे मुझे परफॉर्मेंस मिली है वो काफी अच्छी मिली है एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्योंकि यहाँ पे ग्यूटन ब्लॉक्स का यूज किया जा रहा है और जब यहाँ पर आप लोग सिर्फ स्पेसिफिक ब्लॉक्स ही यूज करोगे तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस है फॉर एग्जाम्पल मी शो मैंने यहां पर एक और ब्लॉक बनाया था इसका ये रहा यहाँ पर सिर्फ मैंने दो ही ब्लॉक्स यूज़ करें प्रोज एंड कोज एंड टाइटल ऑफ द रिव्यू ठीक है इसको भी यहाँ पर हम लोग एक बार पेज स्पीड स्कोर रन करके देख लेते हैं कि हमें कितना मिल रहा है क्योंकि यूजुअली यहाँ पर कोई भी इतने सारे ब्लॉक्स एक साथ में यूज़ नहीं करेगा तो लेट्स वेट 90 प्लस ही मिलेगा 98 मिल रहा है अगेन दिस इज़ वेरी गुड और यहाँ पे जाते हैं रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज तो ये तो जो मेरी वेबसाइट है जो थीम है उसी के यहाँ पे रिसोर्सेज बता रहा है सो टू कंक्लूड यहाँ पर आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेगी और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेगा ये आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो दो वेबसाइट्स ऐसी मुझे मिली है जो इस प्लग का यूज़ कर रही है एक ये वाली वेबसाइट है यहाँ पर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये जो है टॉप पिक वाला जो आपको सेक्शन दिखता है वहाँ पर उस, उस ब्लॉक का यहाँ पर शायद से यूज़ किया गया है तो इस तरीके से हम लोग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मींस इट इज़ इट इज़ लुकिंग डिसेंट और काफ़ी लंबा भी है लेकिन इसको यहाँ पे शायद से इसकी वेट थोड़ी और बढ़ा देते तो अच्छा होता बट आई थिंक इन्होंने यहाँ पे मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते वाला आर्टिकल लिखा है और जो दूसरा है हमारे पास वो ये है ये वाले ब्लॉक में इन्होंने यहाँ पे कूपन कोड का ब्लॉक जो है उसका यूज़ किया है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड स्टार्टिंग में ही दे दिया है और यहाँ पर आई आई एम क्वाइट श्योर इनको यहाँ से अच्छे क्लिक्स आ रहे होंगे प्राइजिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका फ्री वर्जन भी है पेड वर्जन भी है फ्री वर्जन में आपको ये वाले सेवन ब्लॉक्स मिल जाते हैं पेड वर्जन में आपको पूरे ट्वेंटी एट ब्लॉक्स मिल जाते हैं जो जो इसके अच्छे ब्लॉक्स हैं जैसे कि टॉप पिक वाला हो गया यहाँ फिर कूपन ब्लॉक हो गया प्रोग्रेस बार वाला हो गया प्रूज एंड कॉन्स वाला हो गया वो सब यहाँ पर लॉक है और जो बाकी जो सिंपल वाले हैं बटन हो गया नोटिफिकेशन हो गया और सिंगल प्रोडक्ट हो गया ये सब यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाते हैं अब अगर मैं पे इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो नीचे आ जाता हूँ मैं तो अगर आपकी एक वेबसाइट है तो उसके लिए है डॉलर थर्टी ऑलमोस्ट और ट्वेंटी है डॉलर थर्टी सिक्स तो ऑब्वियसली जो ट्वेंटी फाइव साइड्स वाला प्लान है वो यहाँ पर ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्पेशली अगर आपकी एक से ज्यादा वेबसाइट है तो डिस्काउंट कूपन कोड की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको जाना है मेरे लिंक के ऊपर गो डॉट कृपेशाटमानी डॉट कॉम स्लैश एफिलियेट बूस्टर फिर आ जाना है यहाँ पर आपको नीचे नीचे हम लोग चले जाएंगे अगर आपको यहाँ पे पेड ऑप्शन चाहिए तो और जो इसमें ऑप्शन है सिंगल साइड का है ट्वेंटी फाइव साइड्स का तो ट्वेंटी फाइव साइट इज़ मोर रिकमेंडेड अगर यहाँ पर आपकी एक से ज़्यादा वेबसाइट्स है तो बाय इन पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे नीचे आकर के आपको एंटर करना है कूपन कोड यहाँ एंटर करेंगे हम लोग कृपेश थर्टी तो इससे आपको यहाँ पर थर्टी परसेंट का ऑफ मिल जाएगा Let's apply, ये एरा थर्टी एंड देन थर्टी परसेंट का ऑफ मिल गया और जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी डॉलर फोर्टी नाइन वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डॉलर थर्टी फोर का इससे पहले यहाँ पर मैं आ वीडियो में आगे बढ़ूँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को एफिलेट बूस्टर नेपॉन्सर नहीं किया है जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन से बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड यूजेज हालाँकि अगर आप लोग यहाँ पर मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से करके थैंक यू तो अब अगर हम लोग इसके प्रोज़ के बारे में बात करें तो स्पीड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है बहुत सारे ब्लॉक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं सारे ब्लॉक्स को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस और जो इनकी डेवलपमेंट साइकिल है वो भी अच्छी लगी है मुझे अच्छी पेज पर इनका डेवलपमेंट हो रहा है अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर Amazon API की लिंकिंग एट प्रेजेंट नहीं है पहले इन्होंने इसको लॉन्च किया था और ये टेस्टिंग फेज पे थी जहाँ पे Amazon API को यहाँ पे लिंक आउट किया जा सकता था बट जब मैंने अभी इसको चेकआउट किया और जब मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से पूछा है तो अभी मुझे बताया गया है कि अभी इस फीचर को फिलहाल यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है तो हो सकता है फ्यूचर में आ जाए बट एट प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस रिव्यू अगला कौन मुझे लगा है कि जियो टारगेटिंग के कोई ऑप्शन नहीं मिले हैं मुझे कि यूएस वाले को अलग लिंक दिखे यूरोप वाले को अलग लिंक दिखे तो हो सकता है ये जब अमेजोन ए पी डायरेक्टली लिंक हो जाए तब तो इसके बाद इसमें ऑप्शन आपको ये देखने को मिले और यहाँ पर Amazon से अगर आपको कोई इमेज लेनी है तो वहाँ यहाँ वो आपको डायरेक्टली सर्च करना पड़ेगा देन यहाँ पर जा आ करके उस ब्लॉक में उस इमेज का यू आर करना पड़ेगा डायरेक्टली सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है अगर डायरेक्टली सर्च करने का ऑप्शन होता तो शायद से वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता लेकिन अगेन शायद से उसके लिए भी यहाँ पर एमेजन ई की रिक्वायरमेंट लगेगी ना बिफोर आई कम ऑन टू द बॉटम लाइन अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्सअप ज़रूर दे दीजिएगा कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्लग इन अगर यहाँ पर आप लोग एक एफिलेट हो अगर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो तो आई एम क्वाइट श्योर एक दो सेल में ही यहाँ पर आपकी इस प्लग इन की वैल्यू रिकवर हो जाएगी बट अगर अभी आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हो या फिर अभी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं है तो ये प्लगइन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा ये प्लगइन कन्वर्जन ओरिएंटेड है ना कि ट्रैफिक ओरिएंटेड तो पहले अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे ट्रैफिक लाओ एटलीस्ट टू थाउजेंड पेज व्यूज पर मंथ ऑन दो पेजेस जिसमें ये सारी चीजें सेलिंग वगैरह हो रही है अगर 2000 पर मंथ आ रही है देन हैव दिस प्लग इन तो ही ये आपकी हेल्प कर सकता है स्टार्टिंग से यूज कर लोगे ट्रैफिक ही नहीं है सो so पहले यहाँ पर एक अच्छी वेबसाइट बनाओ मेरा कोर्स आपको हेल्प कर सकता है यू कैन चेक दैट आउट उसके बाद ट्रैफिक लेके आओ अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाए फिर इस प्लगइन इन का यूज़ करो ताकि आपको कन्वर्जेंस भी अच्छे मिल पाए सो दैट इज इट फॉर दिस वन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय